आजा 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 उसका हाथ चेक कर। चंपकलाल खुद खा रहा है देख। देखो मेरे साथ। वह दोपहर शाम। इस गर्मी में आग की जरूरत। अरे वो हेलमेट है उसके पास। बस तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। मेरे हाथ में है देखो नूडल, और ये नूडल मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला, और बहुत ज़्यादा जंक खा रहा हूँ जैसा कि आप सबको पता है, और ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। उसके बावजूद भी यार गांव में है ना हम लोग, तो गांव में कुछ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं नहीं, तो यही चीज़ें अवेलेबल हैं। और फिलहाल मैं अभी एक टेस्ट लेने वाला हूँ। ये नूडल मैं यहाँ पर रख देता हूँ और मैं इधर छुप जाऊँगा, ठीक है, इधर कहीं पर्दे के पीछे छुप जाऊँगा और इंतज़ार करेंगे पूजा के आने का, फिर देखेंगे पूजा को नूडल रखा हुआ उठा के खा रही है या नहीं खा रही है। मैं कहाँ छुपूँ कहाँ छुपूँ, यहाँ छुपता हूँ। मैं कहाँ छुपा हूँ, एक बार दिखा दो ना सबको यार। ऐसे नहीं, वो मिरर लाओ। बाप रे बाप। मिरर दिखा इधर, देखो मैं दिख रहा हूँ कहीं नहीं दिख रहा हूँ। थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा सा इधर, हाँ बस 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 बस। बेटा कितनी बड़ी चोर है ये लड़की, आज साबित हो गया। देखा मैं यहाँ पे नूडल रख के गया, चोर क्या? पूछा भी नहीं इसने, पूछा भी नहीं। नहीं उठाना, समझे? अगर कोई चोर तुम्हारे रूम में घुस के और जहर मिला के रख के गया हो तो फिर क्या होता? तुम खा के मर जाते और क्या। बाप रे बाप, मतलब मरना अफोर्ड कर सकती हो? खाना इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो मैगी में जहर मिला के जाएगा, वो जहर मिलाने से पहले खा जाएगा। सब तुम्हारे जैसे वो नहीं होते हैं खाने के भुक्कड़। थोड़ा थोड़ा पूजा, थोड़ा थोड़ा यार, इसमें भी प्याज मिला है, प्याज मिला दिया इसमें भी मैंने। आजकल हम लोगों का आजादी सच में बहुत ज़्यादा हो गया है, हद से ज़्यादा। इतना ज़्यादा प्याज हम लोगों ने अभी से पहले पूरे ज़िंदगी में अपने घर पे कभी नहीं खाया। प्याज नहीं खाने का ही नतीजा है तुम लोग मैगी बना बना खा रहे हो। मम्मी से कह रहे हैं कि प्याज बनाने की परमिशन दो। हमारे दोनों बच्चे देखो कितने प्यार से सो रहे हैं। तो घर के दोनों सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त भिड़ गए हैं आपस में सिक्योरिटी को लेकर के। देखो एक बंदा है बहुत, मतलब कहना ही नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा जो कि अनबिलीवेबल हो, अवार्डेड पर्सन काइंड ऑफ टॉप लेवल पे अवार्डेड, और एक है जो बिहार से ऊपर नहीं उठा। दोनों में भिड़ंत हो गई है, वो एक्स्ट्रा करेजियस, ये एक्स्ट्रा डरपोक। वो थोड़े डरपोक हैं और ये वाले थोड़े मजबूत हैं। मजबूत हैं कि भाई, अब दोनों में भिड़ंत हो गया। देखो बातचीत चल रहा है, बैकग्राउंड ऐसी रही है ना कि चारों तरफ से आतंकी हमला के बीच ये आदमी एक इकलौता जिंदा बचा है पूरी पूरी CRPF बटालियन के बीच में। NSG से लेकर के हर जगह सर्विस देने वाला कोई ऐसा वैसा तो आदमी होगा नहीं, करेज के मामले में ठहरा ही नहीं है। अब वो ठहरे डरपोक, तो जो हमारे पुराने वाले जो वो थे ना PSO, तो उनका और इनका दोनों में भिड़ंत हो गया है। अभी वही बातचीत चल रहा है कॉल पे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, वो कह रहे हैं मैंने क्या किया, ऐसा वाला। लेकिन भाई मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, PSO एक ही रखो, ऐसा रखो कि जो मारने में ना छूट, सोचे नहीं। वही तो नहीं, हम लोग की ऐसी तैसी हो गई है भाई, हमारी फाड़ दी थी इसने, इन भैया ने हमारा फाड़ दिया था। हम दहशत में जिए हैं कि भाई इसको भगाना पड़ेगा, शिवम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हम ही लोग को उड़ा देगा। भाई कब दिमाग घूम जाए, कब बोले पटाखा फोड़ना है मेरे को बोल। वो तो भाई ऐसे है ना जो हमारे वो है, ये जो है वो घर में घुसने में नहीं देते किसी किसी को, कहते बाहर से भाग ऐसे। कब चला देगा भाई साहब, कोई गारंटी नहीं। और मुझे फुल कंट्रोल, उनको खुश रखने के लिए ना मैं खाना बना बना के खिला रही हूँ कि भाई बस कंट्रोल कंट्रोल रख, तुरंत काम करना। क्योंकि देखो जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, खास करके जो आतंकियों से लड़ते हैं, आतंकियों से लड़ते हैं, उनके लिए गन कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो रोज छोड़ते रहते हैं। तो इसको भी आदत है, वो है हाथ में खुजली मचा हुआ कि कोई मिले कोई कांड करे। भाई किसी ने पत्थर वत्थर फेंकते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। हाँ, हमने तो वीडियो में वो डिस्कस ही नहीं किया, परसों की बात है जिस दिन पिज्जा आया था वो रात में, हम लोगों ने इसी से छुपा दिया। इसको पता लगा जहाँ, भाई सोच लो कि फिर
हाँ, अगर वो पत्थर ये बंदा देख लेता ना तो जाके मारता, वहाँ पे दस होते तो दसों को मारता। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि कोई उसको कुछ फंसा नहीं सकता। हाँ। काफी मतलब राष्ट्रपति अवॉर्डेड बंदा है कोई, ऐसे तो उसको कुछ बोल नहीं सकता है ना। काफी ज्यादा टाइट एंड स्पेशली हम लोगों का बहुत बड़ा फैन है वो, आया है हमें सिक्योरिटी देने के लिए। मतलब उस टाइप से होता है ना कि कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हो और आपकी सिक्योरिटी में आना चाहता हो। एक और भी लड़का है वो भी आना चाह रहा था, तो हमने अभी उसे नहीं बुलाया है, लेकिन वो यंग है, वो उसको बुलाना चाहिए है ना। तो हम सोचेंगे, तो हम लोगों ने जानबूझ के ऐसे बंदे को बुलाया जो हमें तो सिक्योरिटी दे सके लेकिन हमारे पिताजी के साथ बातचीत भी कर सके और रिलेशनशिप अच्छा रख सके। तो फिलहाल आजकल जब से हमने अपने घर में सिक्योरिटी रखा है, हमारे जीवन में शांति बहुत ज्यादा है। पापा से बातचीत करके वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, पापा से उनका गहरा दोस्ती हो गया है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा चाय बचा हुआ है। ये क्या येड़ा है, देखो चाय गिराते हुए लेके आ रहा है। क्या हो गया? अरे ये लोग नहीं जा रहे, खाली गिन्नी जा रही है। अरे बाइक का वो टूटा हुआ है यार। क्या टूटा हुआ है? वो हैंडल है उसका, वो क्लच है, क्लच टूटा हुआ है। तो ये बाइक लेके जाने बोल दो। ये नहीं दूंगा मैं। ओए गिन्नी, तो कहने तो वो सामान लाने गई है। पागल पागल हो क्या? ये चलेगा थोड़ी ना, बड़ी जैसे टांगे गिर जाएंगे, टूट जाएगा ये पैर वाले। कुछ चीजें खरीदना बहुत जरूरी हो गया है, किसी दिन टाइम निकालो। बता दीजिए यार, पीछे पड़ रही है, कह रही है कि आ रही है तो मेरे घर पे आओ, थोड़ा ही तो दूर है। मैं नहीं जाना है, बाइक का क्लच टूटा हुआ है। आओ यहाँ पे रहने के लिए, महीना भर तक कोई तुम्हारे घर रोज रोज नहीं पहुँचेगा। बाइक का क्लच टूटा है तो ये नहीं चला सकते हैं? चला तो सकते हैं, लेकिन फिर हम क्या चलाएंगे? हम कह रहे हैं कि बाइक दिलवा दो। तुम लोग से तो कुछ हो नहीं रहा। बाइक दिलवा देता कि तुम रोज गायब रहो घर से बाहर। हम पूरा दिन घर पे ही रहेंगे, इसलिए तो बाइक कह रहे दिलवाने के लिए पागल, ताकि जाए तो पैदल जाए, बाइक घर पे रहे। पैदल जाएगा तो पकड़ा जाएगा ना, दो मिनट में तुम कहाँ कहाँ से आ जाते हो घूम के। देखो बाइक से याद आया, मैं 3 महीना अभी से काउंट कर लो आप लोग, आज से ठीक 3rd महीने इसी डेट पे बाइक आ जाएगा हमारे दरवाजे। तुम तो ये बात बोलो मत, याद है कुछ दिन पहले वीडियो में भी कुछ बाइक से रिलेटेड बात हुआ था 5-6 महीने पहले। तुम गलत साबित हो चुके हो, दूसरा दावा मत करो। इस बार गलत साबित नहीं होऊंगा। गाड़ी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? बाइक। हाँ बाइक निकाल रहे हैं, वो बाइक निकाल रहे। बाप रे भाई, आज बाइक लेके जाना है तो बाइक में इतना सारा प्रॉब्लम है। इसका देखो मिरर खराब है, ये इंडिकेटर टूटा हुआ है, तो ये ले जाने से मना कर रहे हैं। तो अभी बंदा मिरर ठीक करेगा, उसके बाद वो बाइक लेके जाएंगे। ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। भूल है जमा हुआ कोई के माध्यम से थोड़े बुला रहा हूं। हेलमेट यार, अरे वो हेलमेट है उसके पास, इधर साइड टंगा नहीं है हेलमेट। ओए होए मुकुट बस यही। अचानक से मैंने देखा कि ये गुलाब अभी भी है। ये गुलाब लगाई थी, ये गुलाब हमारी बहन ने लगाया था, और ये गुलाब लगभग 13 साल पहले का था जो अभी भी है। मुझे लगा था ये गुलाब ख़त्म हो चुका है। खुशबू देख यार, गजब का है खुशबू। आ जा, अरे वाह, अरे टैलेंट दिखा दे, आ जा जा जा। अरे बाप, अरे बाप रे बाप। तो रात का वक्त हो चुका है, अभी 7 बज रहा है, एकदम 7 बज रहा है, और मेरे सामने देखो इस गर्मी में आग की जरूरत पड़ रही है। मतलब इसका ना मेंटल पीस बिगड़ गया है। चुप करो, आयुर्वेदिक ऑल आउट जला रहे हैं। अच्छा मच्छर भगाने का उपाय है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये लड़की अभी से 3-4 घंटे पहले बाहर गई थी और अभी ये आ चुकी है। यहाँ से एक बार नजर मारो तो दिखेगा कि ये नीम का पत्ता कितना धुआं कर रहा है, और ये धुआं को ना स्प्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही सारे मच्छर भागेंगे। लेकिन ना पता तुमको क्या करना चाहिए था, अपने घर के चारों कोने पे ऐसा जला दो, कहीं से भी मच्छर नहीं आएगा। चारों कोना का ध्यान दे, सोचते हम ही कोना पे हैं तो। अच्छा, सो सेल्फिश, इस कोने पे ये लड़की सोती है, बस इसी कारण से ये यहाँ पे जला रही है। अगर ये लड़की उस कोने पे सो रही होती तो उस कोने पे जलाती। वाह क्या धुआं फैला रही है, वाह क्या बात। अरे बस बस धूम धूल मत फैलाओ। क्या? ए, ए, ए। ए, रुक रुक पागल है, मत कर। पता है ये धुआं ऐसा है ना कि इसके धुएं में ही नीम का पूरा पूरा महक है। अरे राम, वो कड़वा हो गया। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही रहा हूँ, वही चीज बोल रहा हूँ ना मैं, इसके ना धुएं में ही पूरा नीम का जलवा है। आग जो है ऑलमोस्ट सारा उठाया जा चुका है इसमें। ये लड़की भी आ गई, आ जाइए, बस आपकी ही कमी थी। इसको
ठंडा लग रहा है भाई। ठंड नहीं है, वो मच्छर का उपाय है। शुरुआत में मैंने भी यही सोचा था कि ठंड के लिए है। नींबू है ना, इसमें थोड़ा सा और डालना चाहिए था। सॉरी, मुझे और नूडल खाओगे प्याज वाला? रोज रोज प्याज खिला खिला के हमको, तो एक तो लालच में हम खा लेते हैं एक बाइट दो बाइट, उसके बाद मेरा तबीयत खराब हो जाता है। क्या खराब हो? जब आदत नहीं है तो काहे खाते हो? तुमको मेरी कसम है, बोलो कि तबीयत कैसा खराब होता है? पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, और फिर उसके बाद गलत मत बोलना मुझे। आज लास्ट, आज भर लास्ट खाएंगे ठीक है, उसके बाद नहीं खाएंगे। नहीं खाएगा कोई, साला हम बीमार पड़े हैं, तुम लोग भी पड़ जाओगे, हम लोग का आदत नहीं है, काहे खाते हो भाई? आज लास्ट, आज लास्ट। जो नॉनवेज खाते हैं उसके लिए सही होता है कि पचा देता है सारा सल्फर इतना, हम लोग बॉडी में ना बीमार होके हम लोग साला आधा मर जाएंगे। मत बोलो यार, जो लोग खाते हैं वो अब हमें पागल बोलेंगे, तो मत बोलो। जो रेगुलर खाता है उसका शरीर हैबिचुअल हो जाता है खाने का, ही झाड़ू। सॉरी, ये ज्ञान शिवम को ऑफ कैमरा दो, तुम कैमरा बंद करो। चलो लेके इसको यार, मम्मी गई है बाहर, हो गया है सुबह दोपहर शाम 24 घंटा। साला इतना तो हम लोग बाहर में भी रहने पे नहीं खाते हैं। लो इसी बात पे मारो शिवम को। अच्छा बेटा, मेरी गलती है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। ये भी खाती है और दबा के बनाई है, पर्सनली काट के खाते हुए प्याज का पकौड़ा बनाया है। खा रहे हो तुम लोग, देख रहे हैं, पड़ जाओगे बीमार एक ही बार में, अगर दिख गया ना हमको प्याज, तुम देख लेना। अरे यार, स्वाद के लिए सही होता है साला, रोज रोज खा के। प्याज में इतना भी क्या प्रॉब्लम है यार? मत करो मजाक, अभी मामला सीरियस हो गया है यार। मुझे बहुत बुरा लग रहा है एक बात के लिए। 24 घंटा आज पकड़वा देंगे रंगे हाथ पापा से, अगर तुम खा दो। नहीं नहीं, अरे नहीं जा, खा प्याज नहीं खा रहा यार। पता है क्या भाई, आज ना प्याज का पराठा बनवाया था, सत्तू के पराठे में ना प्याज भर के। अब अगर वो पराठा इनको मैंने खिलाया या फिर इनको शामिल किया खाने के लिए, तो ये लोग मुझे फंसवा देंगे, तो वो पराठा मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। वैसे पराठा तो बहुत सारा है, लेकिन अब अफसोस कि इस लड़की को तो स्पेशली मैं खिला नहीं सकता, उल्टा मेरे ऊपर भड़क जाएगी, खाएगी बोलेगी बहुत टेस्टी है, उसके बाद मेरे ऊपर भड़केगी बोलेगी फिर खिला दिया, तो इसलिए वो पराठा मैं अकेले ही खाने वाला हूँ। मेरे भी रूम में देखो धुआं दिखाया जा रहा है, अभी अभी चिपक मत जाना, अब ज़्यादा भी मत कर देना, पूरा रूम ही काला हो जाएगा। बस बस, आ जाओ, अब खुला छोड़ दो या बंद कर दूँ? छोड़ दे, बंद छोड़ दो, वो मुझे मच्छर होगा ना। पूजा दी इधर आ, जल्दी आ, इधर आ, जल्दी आओ ना, बाद में वो सब देख लेना तुम, बाद में उसको देख लेना, पहले जो लोग। अरे यार ये कहाँ भाग रही है? अरे यार असली चोर को पकड़ना है तो चलो छत पे, प्याज का पराठा बनवा के बाबू ऊपर लेके गए हैं। कहाँ है? नहीं है कहीं। खुशबू तो यहाँ से आ रहा है। कर क्या रहे हो यहाँ पे तुम? यहाँ क्यों बैठे हो? रोटी खा रहा हूँ। तो यहाँ बैठ के रोटी कौन खाता है? शॉप से बाहर निकल, क्या देख ले? रोटी खाने का ही जगह कहाँ है? ये कौन सा मतलब है शिवम? रोटी खा रहा हूँ तो ऐसे ही। हाँ यहाँ बैठ के क्यों? वही हम भी पूछ रहे हैं, घर में डाइनिंग टेबल ऐसे पड़ा पड़ा सर रहा है, हमको भी खिलाओ। इस्तेमाल नहीं करता, सोफा पे भी बैठ सकते हो, कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, पीढ़ा पे बैठ सकते हो, ये कौन सा बैठने का जगह है? मन करता है कभी कभी। पूजा तुम भी खाओ। इधर नहीं, इधर देखो, इधर देख के बात करो। किचन में फिर घुसा दिया ना? क्या प्याज? रोटी है ये। तो रोटी है तो यहाँ बैठ के खाया जाता है रोटी? हाँ कभी कभी। अब पूजा का तो आँख है ही नहीं वहाँ पे, देखो पूजा इसमें देखो तो क्या दिख रहा है सत्तू में? मूली है। साला आज हम सच बता रहे हैं, सबको बोल देंगे, मम्मी को भी और पापा को भी। तुम यार क्यों ऐसे करता है? मूली है साला, पाँच पाँच के पूरा घर तबाह कर देगा। नहीं पछता है तो क्यों खाना है? तो ये मूली है, देखो एक बार ठीक से उसको, खुशबू तो प्याज का आ रहा है। मूली है, पूरा घर में बवंडर मचा हुआ है। तुम सेक के ले गए हो तभी से हम खोज रहे हैं कि कोई तो प्याज का छौंका मारा है तो नहीं? ये नहीं सेका है, सेकने वाला उधर नीचे है बाबरची, उसको निकाल देना पड़ेगा, जब से आया तब से कर रहा है यार। एक दिन, मैंने बोला कल तू तहरी बनाया उसमें डाला, आज तू रोटी बना लिया उसमें डाला,
अभी 15 दिन तक मम्मी नहीं आएगी तो रोज बनेगा? अब नहीं बनेगा, कल से नहीं बनेगा। शुभम अभी सोच में चला गया था कि अच्छा मम्मी 15 दिन तक नहीं आएगी, मतलब 15 दिन तक खाने को मिलेगा प्यार। तुम ही खा लो, मुझे चेक कराओ ना। हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीका होता है खाने का, ऐसे रोज रोज खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे ना। अच्छा आज के बाद नहीं खाऊंगा यार, आज खा लेने दो। तुम 3 दिन से खा रहे हो, पिज्जा वाला दिन से चालू है तुम लोगों का, देख रहे हैं हम। नहीं, तुमको गलत पता है, हम उससे 2 दिन पहले से चालू है। लेके घूमना तुम पेट का बीमारी, अभी तो खाली पाद निकलता है, पाद निकलता है खाली। अभी नहीं, सल्फर होता है इतना ज्यादा इसके अंदर, काहे पचाना? क्यों शुभम, पाद से शर्माना क्यों? ये सब हरकत मैं नहीं करता, समझी? साला मुझे इतना बड़ा बीमारी हो गया खाली गोभी और प्याज से। शिवम का लास्ट ब्रेकअप इसीलिए हुआ था क्योंकि फोन पे पाती है। हाल तू क्यों बोलती हो यार, हाल तू बात मत बोल। अच्छा कल अपने वितगिनी पांडे पे इस बात का प्रूफ देंगे हम आपको। कभी कभी खा रहा हूँ साला, 7-8 महीना से कंट्रोल करते करते तुम लोगों का ही कारण हमको भी खाना पड़ता है, नहीं तो गोलगप्पा के अलावा किसी और चीज में प्याज बहुत रेयरली खाते हैं। रोज कुछ ना कुछ ला के रख देगा, रोज छोला चाट मैगी। मैं ला दूंगा, मैं बाहर तक नहीं जाता यार, ये झूठ बोल रही है। और घूम फिर के बाहर का लेना देना नहीं जाता है, बाहर तो हम खा लेते हैं, लेकिन तुम लोग का रोज रोज चल रहा है, हर रोज देख रहे हैं हम, एकदम फिक्स हो गया है। अच्छा लड़ाई झगड़ा बंद करो, पेट घूमना सबके सब, लड़ाई झगड़ा बंद करो चलो। हाँ ऊपर आओ, बुला रहा है मंगल। तुमसे लाख गुना ज्यादा सही है, कम से कम वो नहीं खाता ऐसे ऐसे रोज रोज। हाँ, वो जो खाता है भाई, खा लो जाओ, कम से कम एक साल बीमार रहोगे उसके बाद ठीक। आया 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 आया, एक और नमूना है। चलो प्याज का पराठा बनाया किचन में लाके यहाँ खा रहा है, उसका हाथ चेक कर, चंपक लाल खुद खा रहा है, देख उसका हाथ चेक कर, पूछा जल्दी चल। देख 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 ये खुद खा रहा है। हाँ वो यही बोला कि नीचे से पराठा बनाया है प्याज वाला तेरे लिए। मैंने बोला सबके लिए बना है, कल तो वो नहीं खाया था, तुम्हारे लिए भी रखा है, तुम्हारे लिए भी रखा है। हम क्यों खाएंगे साला, 2 दिन तो ना नुकुर करते करते लालच में हम भी खा लिए, खा के बीमार पड़ गए। अच्छा ये बीमार पड़ी है तभी इतना पाए 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 कर रही है, नहीं पड़ती क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा तुम लोग में नाजुक है, तुम लोग पड़ा ना तो उठ नहीं पाएगा, जो हमको तकलीफ हुआ है। हे भगवान, कभी कभी कहती है कि हम सबसे ज्यादा बरियार है। बरियार कह रही है ये लड़की, पक्की पूरा बिहार को प्रमोट करेगी यही लड़की। गिनी ने बहुत सही टाइम पे बहुत सही सवाल का जवाब दिया है। देखो भले ही सही शब्द का इस्तेमाल किया, सही शब्द का इस्तेमाल किया। देखो में बस मेरा एक पेट ही मजबूत आइटम था जो प्याज और गोभी खाने के कारण खराब हो चुका है, मुझे खाती हूँ बीमार पड़ जाती हूँ। मंगल 100 लोगों के बीच में पहचान सकता है कि पूजा ने कब छोड़ा। मैं ना क्योंकि मैं ही रहूं ना इसके साथ। देखो जो नहीं खाता है, जिसके पापा मम्मी नहीं खाते, जिसके खानदान में कभी कोई खाया नहीं हो लहसुन प्याज, बहुत ज्यादा सल्फर होता है, बहुत हार्ड होता है इसको पचाना। वेजिटेरियन लोगों को, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं ना, उनको ये बहुत नुकसान कर देता है। उल्टा जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं या जो हमेशा से लहसुन प्याज या अदरक ये सब चीज ज्यादा खाते हैं, अरे ये सब छोड़ो ना, ये बताओ कि अब क्या करना है, अभी पेट भर के पराठा खाना है या फिर छोड़ना है? अभी खाना है, आज के बाद नहीं खाना है, याद रखना। आज के बाद कोई अगर खाया तो उसका मार के मुंह तोड़ दूंगा, दिख रहा है हमको तो अपने हाथ से। चलो नीचे चल के खाएंगे, चलो नीचे चल के खाएंगे। मंगल को मिर्च मिल गया, साला क्या लगाया रे इसमें, थोड़ा 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 रोज पान लगाया हो क्या, अरे यार पूरा मिर्च गिर गया मेरे नीचे। ये भगवान, ये पागल उगल हो गया है क्या? हमको पापा को जवाब देना पड़ेगा कि किचन में महक रहा है प्याज कहाँ से। तुमको क्यों जवाब निकल लेते हो, तुम लोग चिकने, तुम लोग ऑलरेडी बोल चुका है वो पूजा खाई है, तुमको क्या, वो बोल के आया था इधर, शिवम नीचे से बोल के आया था, वो पापा से बोल चुका है ऑलरेडी कि पूजा खा रही है। मैगी बनाते समय भी बोला था कि पूजा खाए, एक और ले आया शिवम, तुम पापा से बोल चुके हो ऑलरेडी पूजा बना रही है। शिवम जब ऊपर आया तो बोल के ही आया, बड़ा होने का कोई फायदा ही नहीं है साला, हमको कुत्ता बना के रख दिया है ना, फायदा हर चीज में तुम्हारा नाम आता है, हर चीज में तुम्हारा नाम आता है, और कितना नाम कमाना चाहती हो भाई। अब वो हर चीज में से सिर्फ इल्जाम है, इल्जाम में तुम्हारा नाम आता है। तुम लोग अच्छा बना के खिलाना ही छोड़ देंगे, प्याजे खाओ ठीक है जाओ। भाई 2 दिनों से इस लड़की ने किचन के अंदर कदम तक नहीं रखा है कुछ बनाने के लिए, और उसके बाद अभी आके कह रही है कि हम बनाना छोड़ देंगे, भाषण दे रही है। 2 मिनट बाद देखना, देखिए भैया थोड़ा सा देखिए, भैया शिवम भैया
हो गया हाय भैया देखो मेरे साथ भाई आज के बाद मैं प्याज नहीं खाऊंगा, मतलब बहुत दिनों के गैप पे खाऊंगा मैं प्याज, और स्पेशली घर पे नहीं खाऊंगा। और सच में हमने पूरी जिंदगी में आज तक अपने घर पे इतना प्याज नहीं खाया जितना अभी हम लोग खा रहे हैं, तो अब मैं नहीं खाऊंगा। और पूजा ने जो बोला सही बोला यार, एक्चुअली में हम लोग बहुत ज़्यादा प्याज खा रहे हैं। और ना सुबह में ही प्लान था कि आज प्याज वाला पराठा बनेगा और या तो लिट्टी बनेगा, तो लिट्टी तो कैंसिल हो गया, तो उसको स्विच कर दिया गया पराठे में, तो इसलिए मैंने प्याज वाला वो खाया। और पूजा पहले ही भड़क गई थी आग के पास, तभी मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे भाई, मिल के तो खा नहीं सकते, तो ऐसा वाला सीन है। बाकी हम आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, आपसे मिलते हैं दोबारा कल एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जो लोग के घर में प्याज बैंड है। हमारा आज का ये वीडियो होता है, इसमें आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।